गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एक और नया दिन। आज डेट है आपकी 8th of April। एक बार चेक कर लेता हूँ, कंफर्मेशन ले लूँ डेट की। हाँ जी, 8th of April ही आज, और टाइम हो रहा है लगभग अभी सुबह के 8। हमारी क्लासेस वगैरह हैं और हमें अभी ब्रेकफास्ट करने भी जाना है, तो अभी हम चलते हैं। गाइज, अराउंड शायद 8:30 या 9 बज रहे हैं। अब हम जा रहे हैं क्लासेस वगैरह के लिए। कुछ मिनिमल सा ब्रेकफास्ट कर लेंगे, थोड़ा बहुत खा लेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब टाइम नहीं है ज़्यादा खाने का, बात तो सारी है, खाने को हम खा लेंगे ज़्यादा। बाकी दोनों लोग नीचे गई हुई हैं, हमने बुलाया तो आ नहीं रही, अब आ रही है, ऐसी बात नहीं, अब दोनों एक साथ आ रही है, सही है। बाकी चलते हैं आपको, देखो ऐसा होता है कि ये जो लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट वाले एरिया, जैसे कि रूम्स हैं और ये लिफ्ट है, तो इसके साइड में ही ना स्टेयर केसेस भी होती हैं हमारे हर फ्लोर पर। यहाँ पे देखो, ऐसे ये ऊपर छत है वैसे तो, क्योंकि हमारा 12वां फ्लोर है, ऐसे स्टेयर केसेस होती हैं नीचे जाने के लिए, बिल्कुल मतलब बच्चे चले जाते हैं नीचे वगैरह, अगर लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है, फिर इमरजेंसी में कुछ भी, कोई भी सीन है, तो बच्चे उससे चले जाते हैं नीचे। और बाकी कभी कभार हम भी ऊपर आ जाते हैं नीचे, लिफ्ट में भीड़ रहती है, जब एक टाइम पे सब क्लासेस वगैरह की छुट्टी होती है तो सब बच्चे ऊपर नीचे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो कभी कभार स्टेयर केसेस यूज़ कर लेते हैं ऐसे ही। और बाकी कैमरा वगैरह तो हर जगह है ही, और ये फायर के लिए जो भी है, तो अभी चलते हैं, बताते हैं आपको जैसे भी जो भी सीन होगा। ओके गाइस, हम तो जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा धूप है आज, मतलब धूप तो रहेगी अभी 6-7 महीने और, अच्छी वाली गर्मी आ रही है काफ़ी ठीक। बाकी स्विमिंग का कुछ हुआ हमारा? स्विमिंग का करेंगे आज, पता करते हैं कैसे भी। स्विमिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा ना नॉन में बच्चे हैं नहीं, ऐसे कोई जो स्विमिंग वगैरह कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा हम इंस्पायर नहीं होते, सही है कि नहीं। आके चलते हैं, मैथ्स में पता नहीं कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, ये शेड बना दी है देख लो, पता नहीं इसका क्या रीज़न है। बाकी भीड़ वगैरह तो ठीक ठाक है, अभी कॉलेज में रौनक सी हो गई है, चलते हैं फिर बताएंगे आपको। वैसे आपको ब्रेकफास्ट दिखा देता हूँ मैं, ये देखो टमाटो पीनट चटनी है, ये वर्मेसली उपमा है, ये कॉर्नफ्लेक्स ले लिए मैंने, और ये फ्रूट्स भी होते हैं, मतलब अच्छी बात है, ये दूध लिया है इन्होंने, और एक ऐसी कोई चीज़ है जो मैंने ना ली और हो ब्रेकफास्ट में, क्या यार अंडा है ना आज, हाँ। जबकि नवरात्रे मेरे ख्याल से देखो सब वैरायटी के लोग होते हैं ना, तो उनके हिसाब से बनाया होगा, तो ये नहीं खा लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। गाइस ब्रेकफास्ट तो हमने कर लिया, हम तो जा रहे हैं क्लासेस के लिए। बाकी इंडिया का फ्लैग लग रहा है, सैल्यूट करा आपने अभी तक? हाँ, फीलिंग प्राउड इंडियन आपने, अरे ले बेटे ये तो पहले से तैयार था, कितना फेक करता है तो सही बात है, देखो पाकिस्तानी तो सही है। बाकी यहाँ पे सुबह सुबह ही आ जाते हैं बच्चे काटी पे खाने पीने खाने, भाई ब्रेकफास्ट कर लिया करो मैस में जाके, सही बात है कि नहीं? समझाओ इन्हें। अच्छा मुझे लगा आप समझाओ, आप कुछ मत समझाओ, हम तो क्लास चलते हैं उसके बाद आपको बताता हूँ। गाइस अभी लगभग 11:30 हो रहे हैं, मेरा ट्यूटोरियल है, तो हम यहाँ पे एन ब्लॉक में आए हैं, अभी ट्यूटोरियल वगैरह अटेंड करते हैं, उसके बाद हम लंच करने जाएंगे, और अभी मैंने ब्लॉग भी एडिट करना है, वो भी मैं दिखा, ब्लॉग तो चैनल पे चला जाएगा, वो देख लेना। बाकी सही है, बताता हूँ आपको जैसे भी अपडेट होगा। ओके गाइस, एक्चुअली हम तो अपने ट्यूटोरियल क्लास में आ गए हैं, कुछ ऐसी दिखती है देख लो, ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें ये वुडन बेंचेस हैं, बेंचेस तो नहीं है, हैं, और बाकी प्रोजेक्टर वगैरह है, लाइट फ्लिकर कर रही है, फ्रेम रेट से ज़्यादा हो गया होगा, पता नहीं जो भी सीन है। बाकी सही है, देखो बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, अच्छा लग रहा है, जहाँ से हम आते हैं मेनली, और क्लासेस वगैरह कुछ ऐसी है। बाकी कुछ ये 60 बच्चों की कैपेसिटी वाला ट्यूटोरियल रूम है, 30 वाला भी होता है, लेकिन ये दो बैचेस का एक साथ है इसलिए 60 वाले में हो रहा है, कभी बार 30 वाला भी हो जाता है, बच्चे सारे ज़्यादातर आते नहीं है, मोस्टली तो ऐसे ही आएंगे 40 के आसपास, 60 बच्चे हैं तो, वरना कभी कोई टेस्ट वगैरह होता है, क्विज होता है, जब सारे आ जाते हैं, तो अभी क्लास वगैरह अपनी अटेंड करते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। गाइज लंच का अपडेट कुछ ऐसा है, हम लंच करने आ गए थे, तो ये देखो दाल बनी हुई है, ये चावल हैं, ये हांडी पनीर है, और ये रोटी है, ऐसे ही है मतलब लंच तो हमारा, और अभी लंच कर लेते हैं उसके बाद आपको अपडेट दूंगा। हमारी वैसे क्लास भी है, ये गोभी की सब्जी भी थी, और ये शायद में भी रायता है, पता नहीं मुझे, सैलेड तो हर टाइम होती है, तो अभी खाते हैं खाना, उसके बाद आपको बताऊंगा जैसे भी जो भी सीन है। ओके गाइज अभी अराउंड 3:10-15 हो रही है, हम तो रूम में आ गए थे, अब हम सो जाएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद शाम को आपको बताता हूँ जैसे भी सीन होगा। मैंने ब्लॉग वगैरह एडिट कर दिया और अपलोड कर दिया है, और आपको मे भी पता नहीं कितने बजे मिले चैनल पे, और बाकी बताता हूँ आपको जैसे भी जो भी सीन होगा।
गाइज अभी लगभग अराउंड 5:30 हो रहे हैं, 5:30 के आसपास हो रहे हैं और अभी हम बहुत टाइम बस स्नैक्स करने जा रहे हैं। इसमें मतलब इस ब्लॉग सीरीज में पहली बार देख रहे होंगे क्योंकि मतलब नॉर्मली इतना कुछ खास बनता नहीं है या फिर कभी कभार हमें भूख नहीं लगती। लिफ्ट से हम आ गए हैं ऐसे और चलते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ बाहर का जैसे भी सीन होगा और आज आपको मैं भी दिखा देता हूँ। चलो गाइज हम स्नैक्स करने आ गए थे, ये ना मसाला इडली बना हुआ है और ये टमाटो पीनट चटनी है और मैंने कॉफ़ी ले ली है। आपने चाय ली है क्या? और बाकी मैस कुछ कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो, मतलब खड़े होके दिखा दूँ एक बार पूरा आप देख ले ना, रुक जाओ सेंटर में जाके दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ तो मैस कुछ ऐसा दिखता है, देख लो जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। बाकी अभी आपको रात को डिनर लेते टाइम मैं सही से बता दूंगा खाना कैसे कहाँ से मिलता है, क्योंकि अभी तो काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है और कुछ खाने के लिए इतना दिखाने के लिए है नहीं। बाकी अभी मैं खुद खा लूँ उसके बाद आपको बताऊँगा जैसे भी होगा। तो गाइस एक्चुअली हम स्नैक्स खाने के बाद थोड़ी देर घूमने आ गए थे, तो आप ये देख लो यहाँ पे इन्होंने कुछ मतलब तोड़ तोड़ रखा है, कुछ ना कुछ बना रहे होंगे अभी, ये तो मुझे भी नहीं पता। बाकी कॉलेज का व्यू बहुत बेहतरीन आता है इस जगह से। आज पहली बार मतलब कि इस व्लॉग में ही शाम को मैं दिखा रहा हूँ, वैसे तो मोस्टली हम मतलब लंच के बाद ही रात को डिनर करने के लिए बाहर निकलते हैं, पर देख लो आप काफ़ी सही है, ये न्यू बेंचेस वगैरह आई हैं, ये मेरे ख्याल से यहीं पे प्रॉपर ग्राउंड में सेटअप होगा इसका। बाकी ये भी तोड़ दिया यहाँ पे, पहले एक्चुअली मैकेनिकल वर्कशॉप थी एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए, उसके अंदर सारे इक्विपमेंट्स वगैरह रखे थे लेकिन वो ट्रांसफ़र कर दिया अनब्लॉक में, वो पता नहीं क्यों, देखते हैं इसमें क्या होगा। इन्होंने वैसे ऐसे तोड़ तोड़ के जैसे भरा है, इसके अंदर मे बी फ्लोरिंग होगी ऐसा लग रहा है मुझे। बाकी देख लो ये हमारे कॉलेज की ज़मीन है चारों तरफ, यहाँ पे लॉन टेनिस है, यहाँ पे लाइनें जा रही हैं पता नहीं किस ये केबल्स के लिए होंगी, और बाकी हम यहाँ पर घूम रहे हैं, बताएंगे आपको जैसे भी अपडेट होगा इसके बाद। तो जब तक के लिए गैस घूमते घूमते मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये D2, D3 और ये D4, हाँ D4 ही है ना, ये गर्ल्स हॉस्टल के नीचे एक्चुअली ये लॉन्ड्री है, दिखा देता हूँ मैं आपको जाके, यहाँ पे हमारे सारे कपड़े वगैरह धुलते हैं। ये देख लो ये पिकअप पॉइंट है, ये ड्रॉप पॉइंट, और टाइमिंग्स का कुछ ऐसा है देख लेना आप। बाकी आप एक बार में 10 कपड़े दे सकते हो अकॉर्डिंग टू देम, एक बैग मिलता है हमें लॉन्ड्री वाला, उसमें आपको कपड़े रखने होते हैं और इन्हें यहाँ पे बताना होता है कि कौन कौन से कपड़े हैं, जिसमें चेन्स वगैरह होती हैं जैसे जैकेट्स हो गई या फिर कोई मतलब हुडी वगैरह हो गई, वो सब ये धोते नहीं हैं, वो ड्राई क्लीन वगैरह होता है उसके लिए पर क्लोथ अलग चार्ज है, वो इनसे ही पूछ लेना आप। और बाकी सीन ऐसा है, इस बंदे ने पहले कपड़े दे रखे थे तो ये पिकअप करने आए, हमें एक्चुअली स्लिप मिलती है उस पर हमारी डिटेल्स वगैरह लिखी जाती हैं, वैसे तो आप बैग नंबर बता दोगे जब भी मिल जाएगी, पर वो फॉर इन्फॉर्मेशन ये रखते हैं अपने पास। तो अभी ये बंदा कपड़े ले ले उसके बाद हम चलते हैं। गाइज ये हमारे कॉलेज का रंगीला लाउंज है, मतलब लाउंज हाँ सही है, इसे मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। चलो प्रतीक यार एंट्री करो, यहाँ पे आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है दीदी भैया को जो भी बैठे हों, बाकी अंदर से कुछ ऐसा दिखता है देख लो, इसमें फुल एसी है, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं, देख लो आप ऐसे ऐसे सीन है कुछ, मतलब आप अपने दोस्तों के साथ चिल वगैरह कर सकते हो जो भी आप सही समझो। यहाँ पे बैठने के लिए है ये सब। प्रतीक मजाक कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ मैं कुछ चीज़। बाकी देखो ये जगह भी है, ये चेयर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा मतलब इधर उधर हो गई है, बाकी टेबल पे बच्चे ऊनो वगैरह खेल लेते हैं। बाकी देख लो ऐसा है, पीछे भी है कुछ लेकिन वो मतलब दूर है काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसे मतलब सारी सेटिंग की मतलब बैठने के लिए है जो भी है, मतलब बढ़िया रहता है चिल, अपने दोस्तों के साथ आप चिल कर सकते हो, ऐसे ही पूरा है जैसे किसी ने शीशे लग रहा था यहाँ पे इतना बड़ा है जो ये, मैं एक साथ ये पंछी कैसे बन गया, बेस्ट ऑफ लक आ जाओ। चलो वैसे मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि कभी कभार लिफ्ट में ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना तो हम लोगों को पैदल जाना पड़ता है, तो वैसे ही हमने कर रहे हैं। अभी कितने फ्लोर चढ़ के आए हम? ये 3rd फ्लोर है और अभी हमें लगभग इतने और चढ़ने हैं, 12th फ्लोर पर हमारा, तो बिल्कुल हमारे पास ये अच्छी फैसिलिटी है, भाग के जाना पड़ता है, पर अभी हमने कहा थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं और आपको बता देते हैं स्टोरी लाइन थोड़ी सी क्या चल रहा है हमारी ज़िंदगी में। बाकी यहाँ से व्यू बेहतरीन आ रहा है, सही है भाई, ये वाली गाड़ी अच्छी लग रही है, रेड कलर की होंडा सिविक, ये पता नहीं अब डिसकॉन्टिन्यू क्यों हो गई, जब इतनी बढ़िया गाड़ी थी तो सेल्स वगैरह नहीं होगी मे बी फोर्ड इंडिवर की तरह, पर फोर्ड इज़ कमिंग बैक यू नो, अच्छी बात है, दिखाते हैं आपको जैसे भी जो भी होगा।
गाइज अभी लगभग 8:30 हो रहा है, मैंने अभी बाकी ब्लॉग वगैरह एडिट करा है और यहाँ पे इन लोगों ने कुछ गेमिंग का सेटअप कर लिया है। देखो ये कंसोल्स दिख रहे होंगे आपको, मैं दिखा देता हूँ आपको, सॉरी कंट्रोलर्स। ये कौन सा गेम है प्रतीक, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दो। टेकन कौन सा पार्ट बताओ? ये टेकन 8 है। ये बाकी एक कंट्रोलर तो इनका ही था, एक कंट्रोल हमने किसी से मांगा है। ये बाकी सेटअप बैठा दिया, हम यहाँ पे थोड़ी देर गेम खेलेंगे और उसके बाद खाना खाने चले जाएंगे। हाँ 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 सही 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 है, बस समझ गए। कोई नहीं, थोड़ी देर खेल लेते हैं उसके बाद आपको अपडेट देंगे, खाना खाने जाएंगे जब जब तक के लिए। गाइस अभी लगभग अराउंड 9:30 हो रहे हैं, 9 बज रहे होंगे शायद, पता नहीं मुझे, टाइम मैंने देखा नहीं। अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। ये मैं वॉशरूम में से कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि इस बंदे को हमें देखना था, हमारे दिन काफ़ी बेकार जा रहा था, हमने कहा इस बंदे को देखेंगे फिर अच्छा जाएगा। सही है ना, है अब दिन बचा ही नहीं है ना। चलो खाना खाने चलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ जैसे भी अपडेट होगा। ओके गाइस हम एक्चुअली डिनर करने आए थे, आपको मैं डिनर का अपडेट दे देता हूँ। ये सोया चंक्स की सब्जी है, ये चावल है, ये गाजर मटर मेथी है, ये चॉप्ड अनियंस है, ये रोटी है, और बाकी हमने दूध ले लिया है बोतल में, और ये हम अपना पाउडर, ये पाउडर मींस ड्राई फ्रूट्स पाउडर, क्लियर करके चलो ठीक है। इन्होंने बस 3 ग्लास दूध लिया है, और ये अपने खिचड़ी ली है। तबीयत सही है आपकी? अच्छा, कभी कभार मानसिक संतुलन भी हिल जाता है। बाकी देख लो मैस ऐसा है, एक और बार देख लो, मैंने आपको वैसे स्नैक्स के टाइम पर दिखाया था। और खाना जो है ना वो ऐसी जगह पे मिलता है, अभी काफ़ी ज़्यादा बच्चे खाना ले रहे हैं तो मैं आपको दिखाऊं कैसे, या फिर नहीं नहीं दिखा सकता, अभी खाना ले रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा, एम्बेरसमेंट फील होगी उन्हें काफ़ी। तो हम खाना खा लेते हैं उसके बाद आपको बताता हूँ जैसे भी जो भी सीन है। गाइस लगभग खाना खा लिया हमने, 9:40 हो रहे हैं, वो टाइमिंग के लिए लगभग लगा रहा था लेकिन खाने में लगभग लग गया। 9:40 हो रहे हैं और अभी हम घूम रहे हैं यहाँ पे, जो पाथवे रहता है कॉलेज के चारों तरफ, और बाकी देख लो काफ़ी सही माहौल है। ये ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए दो कंटेनर्स रख रखे हैं, मेरे समझ नहीं आ रहा है किस लिए, मतलब कूड़ा वगैरह जो भी कूड़ा होता होगा उसे इकट्ठा करते होंगे या फिर जो भी है मैनेज करें जिस भी तरीके से। बाकी लॉन टेनिस का तो है ही बढ़िया, हाँ दूसरा वाला लॉन टेनिस भी है वहाँ पे। हेलो बोल दो भाई, ठीक है भाई, ये हमारे मैथ्स वाले सर घूम रहे हैं, पिछले वाले सेमेस्टर में थे, मतलब हमें सर पक्का जानते ही होंगे, इसकी गारंटी दे रहे हैं भाई। बहुत बच्चे होते हैं ऐसे, जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो सही है, नहीं कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर घूमते हैं उसके बाद आपको रूम में पहुंच के अपडेट देंगे जो भी होगा जब तक के लिए। गाइस लगभग प्रतीक 10:30 हो रहे हैं, लगभग 10:30 हो रहे हैं, हम रूम में आ गए हैं और बाकी आज का दिन तो यहीं पे एंड करते हैं। ये गेम खेल रहा है बंदा, सही है, और ये सपोर्ट करेंगे इन्हें खेलने के लिए। बाकी आज का दिन तो यहीं पे एंड करते हैं, वो एक्चुअली मैंने ब्लॉग एडिट कर लिया था, वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, वो जो भी होगा कर लेंगे जैसे भी देखेंगे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, सुबह देखने वाले को गुड मॉर्निंग, शाम को देखने वाले को गुड इवनिंग, और रात को देखने वाले के लिए गुड नाइट। बाय बाय स्वीट ड्रीम्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।